अबे बोल भी ले कुछ, क्या इशारे कर रहा है? मैं चोच मारूंगा। अबे क्या बोल रहा है वैंचो, एक घंटे से कंफ्यूज कर रहा है। लेट मी ट्राई, मेरी 5 रुपए में मार दो। इतना सस्ता वैंचो? गांजा फूकना है? हाट रस्सी लेते। ये ले बेटा, मोहन बाबा का प्रसाद खा ले। आंटी ये बोल क्यों नहीं रहा? तूने इनको बताया नहीं ये आज बोलेगा नहीं? क्यों? कल मैं इसको मौनी बाबा के पास ले गई थी तो उन्होंने बोला अगर ये पूरा एक दिन मौन व्रत रखेगा तो इसके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। बात माननी पड़ेगी, ये बाबा बहुत बड़े ज्ञानी है। कोई बात नहीं आंटी, तू मुझे लिख के दे दे। नहीं नहीं चीटिंग नहीं करनी वरना गड़बड़ हो जाएगी। कोई प्लीज प्लीज नहीं, बस एक दिन की तो बात है। आप इसके इशारे कैसे समझ रहे हो? मां हूं इसकी, सब समझ जाती हूं। हां हां तीनों के लिए रूह अफ़ज़ा लेके आती हूं। थैंक यू आंटी। और गूंगे, आज हम तेरे ट्रांसलेटर हैं। तुम दोनों को आज मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। सही पकड़ा ना वैंचो? कुछ तो है ऊपर वाले का दिया हुआ यार। तू मेरी बात समझ पा रहा है? हाँ मैं तेरी बात समझ पा रहा हूं। मेरे दो अनमोल टट्टे। सुन ना वैंचो, हम हैंड साइंस बना लेते ताकि सबसे इजीली बातचीत हो जाए। थम्स अप मतलब इंग्लिश, थम्स डाउन मतलब हिंदी। और अगर कुछ समझने में गलती हो जाए तो आंख मार दियो। आंख मारने से क्या मिलेगा? 5 मिलियन फॉलोअर्स। अंकल का फोन। हेलो। हाँ भुवन बेटा, यार ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है। तो मतलब क्यों क्यों क्यों? वो गलती से रेड लाइट क्रॉस कर ली और मेरा लाइसेंस भी ना घर पे रह गया है। लाओ मेरी बात करो। हाँ रुक। हेलो नमस्ते अंकल। हाँ भाई बोल, क्या हुआ? पापा को छोड़ दो ना प्लीज वैंचो। ये आपका लड़का गाड़ियां देके बात कर रहा है। सुन भाई, फिर से गाड़ी देके बात की ना बहुत बुरा पिटेगा। सॉरी अंकल, पापा को जाने दो, बुजुर्ग हैं और थोड़ी दारू भी पी रखी है। भाई साहब आपने दारू पी रखी है? अरे मैं दारू कहाँ पीता हूँ, झूठ बोल रहे हैं। मेरा मतलब दवा दारू मेडिसिन, बीमार है। भाई हमें अपना काम करने दो, घर पे बीवी ने व्रत रखा है, ये निपटा के फटाफट घर जाए। हाँ तो वो भी तो आंट देख के व्रत तोड़ेगी। क्या बोला? चांद। ये चूतिया पापा को जेल करवाएगा। आंट देखेगी ना पहले। तो क्या बकवास कर रहा तू? एक तो लाल बत्ती टपा के तेरे बाप ने गलती करी, ऊपर से बदतमीजी मुझसे कर रहा तू। मेरे पापा बहुत अहे आदमी है, आप फक मत करो। क्या करो? फक शक। अरे ये मेरे को होमो समझ रहा है, स्कूटर जब्त करो भाई। अरे क्या हो गया? अरे स्कूटी कहाँ ले जा रही हूँ? अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, मैं उठाऊं? नमस्कार सर, मैं अल्टीमेट जैकपॉट से बोल रहा हूँ। आपने घर बैठे जीतो कॉन्टेस्ट में अप्लाई किया था? हाँ हाँ किया था। मुबारक हो सर, आपने जीता है जैकपॉट प्राइस 50 लाख रुपए का और 3 दिन 4 रात का सिंगापुर ट्रिप। मैं वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम जान सकता हूँ सर? बंछोड़दास छतरी वाला। सरदर्द ठीक हो जाएगा भाई, तेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है। हे भगवान, जिंदगी आज फुल लेने के मूड में है, लगता है आज ब्रेकअप का दिन है। इन कुत्तों से अगर बात करवाई तो बंदी से भी हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, इनको बात करने ही नहीं दूंगा। हेलो, हाय बेब्स। हाय बेबी, क्या कर रहे हो? नमाज। क्या? पढ़ाई कर रहा हूँ ऑब्वियसली। क्या तुम भी? मैंने सुबह पापा की फोटो भेजी थी तुम्हें, कैसे लग रहे थे? बैंड कोट अच्छा लग रहा था। क्या? पैंट कोट अच्छा लग रहा था उनमें बहुत ज्यादा। तुमने क्या सुना? एनीवे, हाउ वाज आई लुकिंग इन द साड़ी? थूकने का मन कर रहा था। क्या? गला काटने का मन कर रहा था। सर दीवार में मारने का मन। आज की बात ना शक्ल मत दिखा देना अपनी। अरे बड़ा बदतमीज लड़का है तू, मेरी स्कूटी जब्त कर ली उन्होंने, तेरे को काम संभालने के लिए फोन किया था मैंने और बिगाड़ दिया काम तूने। और ये होमो क्या होता है वो बात सुन के मेरे से चिपट गया, कहता ये आपने कैसा राक्षस पैदा किया है। अरे भाई मुझे इसके बात करने की आवाज आई, तूने बात की? वो स्कूटी की डिक्की में सब्जियां थी, स्कूटी भी जब्त, सब्जी भी जब्त। सारा खुद तो केचुआ लगता है, ऊपर से मेरे पापा को जब्त कर रहा है, होता कौन है तू साले? शुरू में अंकल जी करके बात कर रहा था, फिर तू तड़ाके पे आ गया। जिस दवा के लिए गए अस्पताल, उसी दवा ने ले ली जान। होंठ फीले थे जिस वजह से, उसी वजह ने ले ली